हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक TS7 एंड्रॉयड का रिपेयर है। इस रिपेयर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम डोर इन्फॉर्मेशन की सेटिंग होती है और उसमें जैसे हम ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं तो हमारा किसी और साइड को ओपन होता है। अगर लेफ्ट साइड का डोर ओपन करते हैं फ्रंट पे तो कोई और साइड ओपन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमने लेफ्ट साइड को ओपन किया तो ये ड्राइवर साइड पर ओपन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम ड्राइवर साइड पे ओपन कर रहे हैं तो किसी और साइड में ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन कार सेटिंग, उसके बाद नीचे सबसे नीचे एक्सप्लोर करेंगे तो एक्स्ट्रा सेटिंग होगा। एक्स्ट्रा सेटिंग पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड इंटर करेंगे 123456, देन ओके। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और डोर इन्फो को देखेंगे। डोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, डोर इन्फो, उसमें जो भी सारे हमारे ऑप्शन पर सिलेक्टेड हो गए उसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अच्छे से दिख नहीं हो रहा, मैं किसी कस्टमर से ये वीडियो मंगाया हूँ ऑन कॉल पर सेटिंग कराते टाइम। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी सी आपको उतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो जो भी हमारे ऑप्शन इसमें सिलेक्टेड था हमने उसको अनसेलेक्ट करके ओके कर दिया। याद रखना है अनसेलेक्ट करके ओके दबानी है, देन ऊपर की तरफ हम जैसे ही स्लाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर रीसेट की बटन आएगी। नोटिफिकेशन बार को हम स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ तो एक रीसेट का बटन आती है, हम उस पर रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद हमारा ये प्लेयर रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि डोर इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, जैसे जिस साइड में हम डोर ओपन करते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे उस साइड का हमारा डोर उसमें शो करता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है हमारी ये सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, सेटिंग सही नहीं होती तो हम जिस साइड में ओपन करते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे दूसरे साइड का डोर शो करता है। तो उसकी सेटिंग हमें देख लेते हैं। अलग अलग प्लेयरों में अलग अलग गाड़ियों का जो होती है उसमें अलग अलग सेटिंग होती है। ये अब जो हम सेटिंग अभी बता रहे हैं कि इको स्पोर्ट की है। ठीक है, बहुत सारी मॉडलों में सेम होती है। अब इसको चेक करते हैं एक बार, हम फिर से सेटिंग हमने कर ली थी, ये हमने देखिए लेफ्ट साइड में किया है लेकिन फिर भी हमारा अभी सेट नहीं हुआ है। ये हमारा लेफ्ट साइड में किया था लेकिन ड्राइवर साइड ही ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ड्राइवर साइड ओपन कर रहा है तो ये लेफ्ट साइड ओपन हो रहा है, तो अभी सेट नहीं हुआ है। इसको हम एक बार फिर से चेक करते हैं, फिर से इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिए हम पीछे की साइड कर रहे हैं ड्राइवर साइड, तो ये पीछे की तरफ ओपन हो रहा है, मतलब जो हमारा पोजीशन होना चाहिए शो होनी चाहिए डिस्प्ले पे वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसकी सेटिंग एक बार फिर हम चेक करते हैं सेटिंग इसकी। तो हमें इस पर फिर से एक बार सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग, देन कार सेटिंग, उसके बाद नीचे सबसे एक्स्ट्रा सेटिंग होगा उस पर हम पासवर्ड डालेंगे 123456, देन ओके। उसके बाद हमें ये डोर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, डोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है, डोर इन्फो करके ऑप्शन आती है उस पर हमें क्लिक करनी है। देन देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन ये ओपन रहते हैं, इसमें हमें स्विच फ्रंट डोर पे क्लिक करनी है। स्विच फ्रंट डोर पे सिलेक्ट करके ओके दबानी है, देन ऊपर की तरफ स्लाइड करके हमें इसको रीसेट कर देना है। ठीक है, जैसे ही रीसेट करेंगे ये हमारा सेटिंग सेट हो जाएगी इसकी रीसेट करने के बाद। उसके बाद हम इसको जैसे ही डोर अपना ओपन करेंगे ये हमारा डोर ओपन काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको डोर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने लेफ्ट साइड को ओपन किया तो लेफ्ट साइड ओपन हो गया, अब मैं ड्राइवर साइड ओपन कर रहा हूँ तो ड्राइवर साइड ओपन हो गई है, अब मैं इसको बैक साइड ओपन कर रहा हूँ लेफ्ट में तो बैक हमारा लेफ्ट ही ओपन हो गया, और देन अब ये राइट में बैक ओपन कर रहा हूँ तो राइट ओपन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जैसे कि डोर इन्फॉर्मेशन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, जो हम दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं वो दरवाज़ा ओपन हो रहा है। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।